नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैकबोन अमित पे स्वागत है। आप सभी थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, तो आगे बढ़ने पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, हम एक बार फिर से ड्रेसिंग का वर्क जो कि बाल वाले बीच पर हो रहा है आप सभी को दिखाने के लिए लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप सभी कि यहाँ पे मशीनों की और भी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई गई है, उसके साथ साथ ड्रेसिंग का वर्क लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया गया है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी बालू आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, उन सब बालू को इन मशीनों द्वारा किनारे किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके बीच से एक गड्ढा बनाया जा रहा है जो कि आपको बालू दिखाई दे रहा है, उसके बगल से अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा थोड़ा पास चलकर। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब बालू इकट्ठा कर लिया गया है और ड्रेसिंग का वर्क भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। जैसे जैसे फ्रेंड्स यह वर्क होता रहेगा मैं आप सभी को दिखाता रहूँगा, बस आपका सहयोग मुझे चाहिए, सपोर्ट करते रहिए। हर रोज़ मैं आप सभी को वीडियो देता रहूँगा। अभी आप देख सकते हो कि अभी मैं खड़ा हूँ उस एरिया यानी कि उस जगह जहाँ पर एक 4 लेन रोड बनने वाला है, और यहीं से अगर 4 लेन रोड बन जाता है तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी सभी को, और बालू वाले बीच पे जाने के लिए काफ़ी आसानी पड़ेगी। और नज़दीक देख सकते हैं, मैं नज़दीक आ गया हूँ और ड्रेसिंग का वर्क बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर मजदूर घर तक तो नहीं जा पाते हैं, यहीं पर रहकर किसी तरीके से यानी कि यहीं रहना है और यहीं वर्क करना है। अभी कुछ जगह आप सभी देख रहे होंगे चारपाई वगैरह दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, जो मशीन है उसके ठीक बगल में एक चारपाई लगाई गई है, यहीं पर लोग सोते हैं और वर्क भी करते हैं, यानी कि यह वर्क भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसे कंप्लीट जल्द से जल्द कराया जा रहा है। क्योंकि बनारस में लगभग जितने भी वर्क हो रहे हैं, चाहे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हो, खिरकिया घाट का हो, या फिर बिनियाबाग का हो, या फिर गोदौलिया चौराहे का हो, या फिर हरहुआ रिंग रोड का हो, लगभग चारों तरफ जो वर्क हो रहा है उसे जल्द से जल्द सरकार द्वारा कहा गया है कि इसे कंप्लीट करके बनारसियों को समर्पित किया जाए। अभी तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों, कुछ ही दिन में यानी कोरोना समाप्त होते ही उसका शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा जब वहां आएंगे। अभी देख सकते हैं ड्रेसिंग का वर्क यहां काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो यहां पर भी इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए लोगों को कहा गया है। अभी देख सकते हैं मजदूर आ रहे हैं, कुछ लोगों का जैसे नज़दीक ही घर है यहां पर यानी कि लोकल हैं तो आ और जा सकते हैं, और जो बाहरी हैं वो यहीं पर रहकर यानी कि पूरी तरीके से दिन रात यहाँ बिता रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जब ड्रेसिंग का वर्क हो रहा है तो आसपास एक भी आपको बालू बिखरा हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी कि अब लगभग एक समान हो गया है हर तरफ। मशीनें लगातार वर्क कर रही हैं, पहले मशीनों की संख्या 10 थी, अब फ्रेंड्स बढ़कर लगभग 25 हो चुकी हैं। यहाँ पे लगभग 20 मशीनें वर्क कर रही हैं और इधर उधर कुछ मशीनें हैं, यानी कि टोटल 25 मशीनें वर्क कर रही हैं, जिसे जल्द से जल्द सोचा जा रहा है कि लगाकर कंप्लीट कर लिया जाए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि यहाँ पर यानी कि पूरे देश में ही बेरोज़गारी है, तो एक तरह से यह बनने के बाद काफ़ी सभी लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड हो जाएगा।
तो इसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4 लेन रोड बनाई जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे 500 लग्जरी टेंट लगाने की भी व्यवस्था है, और यहाँ पर बहुत से लोग अपनी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, यानी कि दुकानें छोटी मोटी जो भी हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जितने भी खेत हैं उनके भी दाम बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि यह डोमरी कटेसर और रामनगर सटे हुए गंगा जी बालू बीच के तरफ यह गांव है, 3 से 4 गांव, जो कि आने वाले दिनों में अब लगभग विकसित गांव बनने वाले हैं, क्योंकि यहां पर 4 लेन रोड बनने वाला है तो सभी को रोज़गार मिल जाएगा एक तरह से। रोड बनने से दोस्तों सभी को, कोई भी अपनी छोटी मोटी दुकान खोलकर यहां पे आसानी से बैठ सकते हैं, जिससे यहां के लोगों की लगभग आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आने जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे ठोस कोई रोड नहीं है, कच्चे रोड हैं, तो आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है सभी गाँव वालों को और हमारे बनारसियों को भी, क्योंकि जब हमको पक्के घाटों से बालू वाले बीच पे आना रहता है तो नाव का सहारा लेना पड़ता है, और नाव वाले बेहिसाब पैसे की मांग करते हैं। तो इसे देखते हुए काफ़ी अच्छा होने वाला है। वैसे तो आप आसानी से बाइक वगैरह से आ सकते हैं इस जगह, लेकिन आने के लिए वैसा रोड नहीं है, यानी कि सभी लोग को पता नहीं है कि कहां से जाना है और कहां से नहीं जाना है। तो उसके साथ साथ आपको बता दें कि यह रोड जब बन जाएगा तो सभी लोग आसानी से इस जगह आ सकेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा अन्य देशों में, जैसे या रेगिस्तान में टेंट लगे होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था होगी, यानी कि टेंट वगैरह लगाए जाएंगे जो कि रेंट पे एक तरह से दिया जाएगा, यानी कि जो घूमने आते हैं बीच पर तो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी और पैसा भी लिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी यहाँ की व्यवस्था, और यहाँ की जो गांव की हालत है वो भी काफ़ी सुधर जाएगी दोस्तों। तो ड्रेजिंग का काम एक ही वर्क को लेकर नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ जो बालू का वर्क हो रहा है, बालू को भी सरकार द्वारा निर्यात किया जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है सभी के लिए। और यह जगह बता दें कि आने वाले दिनों में भर जाती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे वर्क चल रहा है तो इसको देखते हुए ऐसा व्यवस्था बनाया जा रहा है कि यहाँ पे पानी ना आ सके, और बनारस से सटे जो गांव हैं डुमरी कटेसर रामनगर, तो ये गांव भर ना पाएँ, यानी कि मिला जुला कर यहाँ पे एक तरह से रोज़गार देने की व्यवस्था हो रही है। और यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधाएं सभी बनारसियों को मिल सके, और कहीं ना जाना हो, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बालू का वर्क काफ़ी तेज़ी से हो चुका है। और ये जो आप सभी बालू देख रहे हैं, बालू पे सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अब बालू सब इकट्ठा हो चुका है, यानी कि ड्रेजिंग का वर्क हो गया है, तब यहाँ पर गंगा जी में से पानी इकट्ठा करके पाइपलाइन द्वारा यहाँ पर डाला जा रहा है बालू पे। आइए आपको नज़दीक ले चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक रस एकदम बालू को कर दिया गया है, एक तरीके से काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। पहले ऐसा नहीं था, जब हम पहले नाव के सहारे घूमने आया करते थे तो पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब एक रस हो गया है तो दूर दूर तक नज़र भी जा रही है। और ये फ्रेंड्स मैं बता रहा था आप सभी को, पाइपलाइन द्वारा गंगा जी में से पानी निकाला जा रहा है और इस बालू पे डाला जा रहा है, इसे अच्छी तरीके से ठोस बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरह से देख सकते हैं लगातार पानी दूर दूर तक जा रहा है। और सबसे ख़ास बात बता दें, अगर आप इस जगह जाते हैं यानी बालू वाले बीच पे, तो एक बोतल पानी ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि चलते चलते गला सूख जाता है दोस्तों।
एकदम लगता है रेगिस्तान में हम लोग आ चुके हैं। तो पानी लेकर ज़रूर जाएं अगर जाते हो आप घूमने या फिर कुछ करने। तो यह देख सकते हैं गंगा जी में से पानी निकाल कर बालू पे डाला गया है। बिल्कुल लग रहा है कि अब हम आ चुके हैं समुद्र के किनारे यानी बीच पर। देख सकते हैं लहर भी कुछ इस तरह का से आ रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। तो देख सकते हैं दूर दूर तक जो एरिया आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है यानी कि पेड़ पौधे वाले, तो उसी जगह से रोड दोस्तों बनने वाला है उस एरिया में। और देख सकते हैं पानी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब यहाँ पे दोस्तों 4 लेन रोड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी हैं जो कि आपको घूमते वक्त काफ़ी दिखाई देने वाले हैं। मोर, ऊँट और भी कई तरह के नीलगाय यहाँ पे जंगली जानवर हैं जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी एडवेंचर का मज़ा एक तरह से आप सभी को मिल जाएगा और ढेर सारे पशु पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे घूमते वक्त, जैसा कि आपको बनारस में नहीं देखने को मिलता है। यूं कहें तो बनारस को अब प्रधानमंत्री द्वारा क्योटो बनाने की तैयारी है जैसा कि उन्होंने कहा था अपने एक भाषण में। तो ठीक उसी प्रकार अब बनारस को बनाया जा रहा है, आधुनिक बनाया जा रहा है और भी कई तरीके से महत्व दिया जा रहा है बनारस को। बनारस का नाम सुनते ही दोस्तों अब मोदी जी का नाम याद आने लगता है, क्योंकि वो अब बनारस के सांसद हो चुके हैं पिछले 7 सालों से। अब आने वाले दिनों में दोस्तों काफ़ी पूरी तरीके से बदल जाएगा बनारस। आपको पूरे देश में आप कहीं भी जाइए ऐसा वर्क कहीं नहीं हो रहा होगा जैसा कि बनारस में हो रहा है। कहीं पर थोड़ा सा वर्क हो रहा है तो उसका 4 गुना वर्क बनारस में ही हो रहा है। आप कहीं भी जाएंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि नहीं बनारस में कुछ बदल रहा है। तो ये मोदी जी की देन है एक तरह से, और बनारसियों ने मोदी जी को सांसद चुनकर काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और ये फ्रेंड देख सकते हो आप सभी कि ये जो बालू इकट्ठा किया गया है इसके ठीक बगल से जो मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर गड्ढा बनाया जा रहा है यानी कि एक तरीके से नहर टाइप, तो ये है देख सकते हो आप, ये लगभग 10 फीट गहरा खोदा गया है लंबाई में। गहरा 10 फीट है और लंबाई काफ़ी दूर तक है यानी कि पानी एक तरीके से इसमें लाने का प्रबंध किया जा रहा है। मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगा। और यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी छोटे छोटे घाट दिखाई दे रहे हैं उस साइड के यानी 80 घाट और दशाश्वमेध घाट से सटे घाट भी काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हो कि काफ़ी गहरा यहाँ पे खुदाई किया गया है लगभग 10 फीट, तो काफ़ी दूर तक इसे खोदा जा रहा है। और दूर देख सकते हैं एक मशीन वर्क कर रहा है यानी कि गड्ढे की खुदाई का वर्क लगातार किया जा रहा है। और ये गड्ढे का खुदाई कहाँ तक होगा अभी नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी दूर तक किया जाना है और इसके अंदर पानी दोस्तों डाला जा रहा है, नहर की तरह बनाया जा रहा है और इसी सहारे से लेकर पानी को उस पार यानी कि गांव की तरफ बालू पर छिड़का जा रहा है कि अच्छी तरीके से बालू बैठ जाए। और ये फ्रेंड देख सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अब टोटल रेगिस्तान की तरह यह दिखने लगा है। और जब आप 1 से 2 बजे जाएंगे तो एकदम फील आपको होने वाला है, क्योंकि आपको कोई कसर नहीं दिखने वाला है कि यह रेगिस्तान है या फिर बनारस है, तो आपको रेगिस्तान की तरह फील होने वाला है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आप सभी को और पास जाकर दिखा रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पे गड्ढा जो मैंने बताया था सभी को कि नहर जैसा एक 10 फीट गड्ढा खोद कर बनाया जा रहा है, तो ये है वो इलाका देख सकते हैं आप। और दूर देख सकते हैं दो खंबे जैसा मशीन आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे यही नहर जैसा बनाया गया है और इसके अंदर पानी डाला गया है। और ये देख सकते हो आप कितनी दूर तक बनाया गया है यह गड्ढा नहर जैसा, इसमें भी पानी डाला जाएगा। और दूर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पानी डाल दिया गया है गंगा जी में से लेकर। और दूर दूर देख सकते हैं काफ़ी छोटे घाट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब लगभग लग रहा है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, यानी कि रेगिस्तान में ही। तो एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी एक ठोप नहीं है फ्रेंड्स पीने वाला, और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले उबड़ खाबड़ होता था, यानी कि कहीं गड्ढा तो कहीं ऊंचा, तो इस तरीके से होता था। लेकिन अब लगभग एक तरह सब बराबर हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ मशीनें बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था 20 से 25 मशीनें बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रही हैं। ये सभी मशीनें एक गड्ढा खुदाई कर रहा है, तो 3-4 मशीनें जो बालू इकट्ठा हुए हैं उन्हें साइड में लगाने का वर्क कर रहे हैं, यानी कि दूर दूर से नीचे से ऊपर ले जाने का वर्क कर रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पे 4 से 5 मशीनें लगी हुई हैं, लगातार वर्क कर रही हैं। उधर भी 20 से 25 मशीनें उधर भी लगी हुई हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया। और ये आप देख सकते हो कि इधर भी अब बालू जैसा हुआ करता था पहले, अब वैसा नहीं है, कि अब काफ़ी साफ़ सुथरा भी हो चुका है। जैसे गंदगी मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को दिखाया, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मेरा, उसमें काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, क्योंकि उस पार से इस पार जब लोग आया करते थे तो कुछ भी खरीद कर, यानी प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे छोड़ कर चले जाते थे, तो काफ़ी गंदगी भी इकट्ठा हो गई थी। तो उसकी सफाई हो चुकी है एक तरीके से, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों अब पहले के मुकाबले। तो आने वाले दिनों में काफ़ी यहाँ पे सुविधा हो जाएगी। मैं आप सभी को इस गड्ढे के अंदर से जाकर दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप, मैं थोड़ा नीचे आ गया था, यानी कि 10 फीट गहरे गड्ढे के अंदर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अच्छे से आप सभी को दिखाना था, तो मैं अब ऊपर आ रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो ये गड्ढा था और मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑल कर लें, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करें। हर हर महादेव। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.